प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजवंत सिंह मौली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज का जो टॉपिक है एक बहुत अच्छी कहानी के ऊपर है रियल एस्टेट का ही है, लेकिन बहुत शिक्षादायक कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और बहुत ही प्रैक्टिकल लाजवाब स्टोरी है। ध्यान से सुनिए, ये मैंने लिखा है 10 अप्रैल 2005 को कविता नाम की लड़की गॉट मैरिड, मतलब उसकी शादी हुई थी। कविता नाम की लड़की, कविता था नाम लड़की का, उसकी शादी हुई थी। तो आप सोचोगे इसमें क्या बड़ी बात है, शादी तो होती रहती है। बड़ी बात ये थी इसमें कि ये जो कविता थी, ये इसकी मम्मी लोगों के घरों में काम करती थी और कविता की शादी के लिए उसके पास पैसा नहीं था। वो अपना घर जो भी यहाँ झुग्गी झोपड़ी वाले में वहाँ घर था उसका, थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, छोटा सा घर जैसे भी मिला हुआ था उसको, होमलेस को जो मिलता है, तो उस वो मकान बेचना चाहती थी या उसको रख के, गिरवी रख के, मॉर्गेज करके उस पर पैसे लेके अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी। बेटी की शादी करने के लिए तो कई बंदों के पास गई, चलो एक बंदे के पास, ऐसे के पास चली गई, उसकी वाइफ के पास, उसको कहा कि मेरे को, मैं अपने घर के कागज रख के, मॉर्गेज करके, आप मेरे को 30,000-40,000 जो भी मांगा था उसने, इतना पैसा दे दो ताकि मैं अपनी बेटी की शादी करूं। तो उस जिस लेडी के पास गए, उसने अपने हस्बैंड से बात करी, तो हस्बैंड ने कहा कि तुमने कभी ब्याज का काम किया है? कहते नहीं। कि हमने ब्याज पर पैसा दिया है? नहीं। तो फिर हम कैसे दें? यदि आप इसकी मदद करना चाहती हो तो इसको वैसे ही इतना पैसा दे दो, इससे वापस भी नहीं लेना, ये दान समझ के दे दो या बच्चा समझ के दे दो, जो भी समझ के देना दे दो, इससे वापस नहीं लेना, क्योंकि यदि हम इसको ब्याज पर पैसे देंगे तो ये कहाँ से ब्याज वापस करेगी? ब्याज वापस नहीं कर सकती, यह मूल भी नहीं आपका वापस नहीं होगा, और यदि नहीं वापस करेगी तो डेफिनेटली आपको गुस्सा आएगा, आप इनको बुरा भला बोलोगे, आप अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाओगे। तो इसलिए यदि आप इनकी मदद करना चाहते हो तो ये पैसा, मतलब नॉन रिफंडेबल दे दो इनको कि शादी कर ले, चल ठीक है यार, ज़िंदगी में कम कमा लिया सी, यही सी। तो ये उस लड़की की शादी कर दी किसी तरीके से, इस ये नहीं कि उस बंदे ने अकेले ने नहीं की, उसने बहुत रिप्यूटेड बंदा था, अपने दोस्तों से बात की कि यार इस तरीके से केस आया हमारे, अपने पास लड़की की शादी है तो हम क्यों ना इसकी मदद करें। तो लोगों ने जितना जितना पैसा बनता था दे दिया और उसकी शादी कर दी, और बहुत बढ़िया तरीके से शादी हुई। तो वो बंदे, अब स्टोरी अब शुरू होती है। तो अब स्टोरी क्या है? स्टोरी उसके पास कोई दलाल आता था उसी बंदे के पास जो जिसने ये शादी मैनेज की, जिसने मतलब शादी का सारा फंड मैनेज किया अपने दोस्तों के साथ, उसकी रेपुटेशन अच्छी थी, उसके पास कोई दलाल आ रहा था। उसकी बनूड़ में ज़मीन थी उनके ताया जी की, तो वो कहता था जी आप ये ज़मीन ले लो, बहुत ही बेटर लोकेशन, बहुत बेस्ट लोकेशन की ज़मीन थी, आइडियल लोकेशन के, ये ज़मीन ले लो। ताया जी अपने बच्चों को अपनी जो प्रॉपर्टी है वो अपने जीते जी बांट के देना चाहते हैं, अदरवाइज बेचने का कोई मूड नहीं था उनका, क्योंकि प्रॉपर्टी है ही इतनी बढ़िया थी। तो हुआ क्या, वो कहते हैं जी मेरे पास पैसे नहीं है। अब प्रॉपर्टी डीलर ये समझ रहा है कि ये जानबूझ के टाल रहा है, पैसे इनके पास हैं क्योंकि रेपुटेशन तो अच्छी थी, तो वो पता नहीं किसी तरीके से इस बात को मनाने में तैयार हो गया कि चलो एक बार ताया जी से मीटिंग तो कर लो। तो जब वो मीटिंग करने गए तो अपने पास से 5 लाख रुपया ले गए, और 5 लाख रुपया ले जा के ताया जी के साथ, उसके दलाल के ताया जी के साथ उन्होंने सौदा कर लिया, और वो बड़े ईमानदारी से कह रहा है कि पैसे नहीं है। तो वो कहता कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो भी चलेगा, आप एक बार हाँ तो करो, क्योंकि उसको पता था यदि ये हाँ कर देंगे तो पैसे अपने आप ही आ जाएंगे। तो हुआ क्या, ताया जी को 5 लाख रुपए दे के आ गए, और 45 लाख रुपए की जो कमिटमेंट थी, ये 5 लाख वहाँ दे दिया और 45 लाख की कमिटमेंट कर ली एक महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ। एक महीने बाद कहते 45 लाख रुपए होते थे। तो आप ये बंदा जो ईमानदारी से कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है,
5 लाख रुपया इसलिए दे दिया कि वो दलाल के हिसाब पे, चलो दलाल से ही किसी तरीके से हमारा खेड़ा जुड़ जाएगा, तो वो 5 लाख रुपया दे के 45 लाख रुपया देने वाली बात मतलब है नहीं थी उसके पास। लेकिन कुदरत की क्या करामात हुई, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जब आप कुदरत को एक चीज़ देते हो, एक दाना देते हो, तो कुदरत पता नहीं कितने दाने आपको वापस करती है। मक्की बीज लो, गेहूं बीज लो, आम का वृक्ष लगा लो, पता नहीं आपको एक के बदले, एक दाने के बदले कितने ज़्यादा दाने देने हैं, क्योंकि ये कुदरत का स्वभाव है, जो हम कुदरत को देते हैं उससे बहुत ज़्यादा देती है। तो ये 5 लाख रुपए दे के आगे 45 लाख की कमिटमेंट करके आगे 1 महीने तक, तो वो बंदा कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं। पता नहीं क्या कुदरती बात हुई, उसके सौदा करने के 3-4 दिन बाद एक जीरकपुर का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर उनके पास आ जाता है, बनूड के प्रॉपर्टी डीलर को लेके, कि आपने ये ज़मीन ली हुई है तो ये क्या ज़मीन बेचना चाहते हो। अब अंधा क्या चाहे दो आंखें, वो तो बेचना ही चाहता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, मतलब उसके पास पैसे नहीं थे, कहता मैं बेच दूंगा, ठीक है, क्या कितने में सौदा करोगे। तो ये 5 लाख रुपया जो सिर्फ दिया हुआ था, ये 25 लाख रुपया प्रॉफिट के ऊपर सौदा बेच दिया गया। इसका नाम कमलजीत था जिसने लिया था डील, जिसने ली थी जीरकपुर का बंदा कमलजीत था। कमलजीत ने 25 लाख रुपया प्रॉफिट दे के सौदा ले लिया और पैसे अपने पास से दे दिए इन बंदों को जो 5 लाख रुपया दे के आए थे, जिन्होंने 45 लाख रुपया और देना था। अब पैसे कमलजीत ने दे दिए, सौदा इनका हो गया, 45 लाख रुपया उनको दिया और 45 लाख रुपये दे के जाके एग्रीमेंट कर लिया उन्होंने। जब कमलजीत ने पैसे दे दिए तो 45 लाख रुपये डाल के 50 लाख रुपये का एग्रीमेंट करके आ गए, मतलब जो डील की पहली कमिटमेंट थी वो पूरी होगी, पहली कमिटमेंट एग्रीमेंट टू सेल वाली, वो कमिटमेंट पूरी होगी। तो उसके बाद मतलब डील अब कमलजीत की होगी। अब ये कुदरती बात है कि कमलजीत के पास जब उसकी पेमेंट होनी थी ज़मीन की, तब उसकी पेमेंट स्टक होगी। हालांकि करोड़पति आदमी है, अरबपति आदमी है, लेकिन कहीं पेमेंट स्टक होगी, कहते जी पेमेंट अभी आई नहीं, मेरे पास नहीं है। तो जो बंदे ने ये 5 लाख रुपये, तब तक इनका इनके पास कोई इनकी ज़मीन बिकी, इनके पास पैसे आ गए। जब इनके पास पैसे आ गए तो इन्होंने कहा कमलजीत को कहा कि आप ये ज़मीन बेचना चाहते हो, कहता मैं बेच दूंगा। कितने में? 6 एकड़ ज़मीन थी, मेरा ख्याल 12 लाख रुपया प्रॉफिट दे के इससे कमलजीत से दोबारे ले ली, 12 लाख रुपया प्रॉफिट दे के दोबारे फिर खरीद ली ज़मीन। अब इनके पास पैसे हैं, रेपुटेशन भी है, जब लोगों को पता लगा कि इन्होंने ज़मीन ले ली है, रजिस्ट्री करवाने वाले यहाँ भी ये रजिस्ट्री करवा लेंगे, तभी इनके पास उधर से तेज़ी भी थी, 2005 में बहुत ज़्यादा तेज़ी भी रही है मार्केट में, ये भी बात का फैक्टर रहा है। तो 2005 में जब तेज़ी थी तो उनके पास लोगों ने आना शुरू कर दिया, और जितना इसमें 25 लाख रुपये पहले प्रॉफिट, जब 12 लाख उसको फिर दे दिया, मतलब कमलजीत को दिया, फिर 25 लाख उसके बिना फिर प्रॉफिट दे दिया उसको, फिर दोबारा लेके बंदे ने किसी ने अपने पास से रजिस्ट्री करवा ली। मतलब इस बंदे को 5 लाख रुपए से इसने डील मैनेज की, 25 लाख रुपए पहले प्रॉफिट आया कमलजीत से और 25 लाख रुपए बाद में आ गया, और 12 लाख रुपए इसने कमलजीत को दे दिया कमलजीत। तो इसका मतलब टोटल 62 लाख का प्रॉफिट हुआ इसमें टोटल डील में। तो 62 लाख का प्रॉफिट हुआ और इस बंदे को 50 लाख का प्रॉफिट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसने, ये लड़की थी जो कविता लड़की थी, इसकी शादी का जिम्मा उठाया था इसने। जब किसी के काम आते हो तो कुदरत कायनात आपके साथ जरूर खड़ जाती है, आपके जरूर काम आती है। इन्होंने कविता की शादी का जिम्मा उठाया और कुदरत ने इनका ये 5 लाख रुपए, डूबने वाले 5 लाख रुपए को 50 लाख रुपया प्रॉफिट करके 55 लाख रुपया बना दिया। जब भी कुदरत देती है आपको कई गुना जा करके देती है, आप अच्छे काम करते रहो, अच्छे काम करते रहोगे तो डेफिनेटली कुदरत आपके साथ खड़ी हो जाएगी और आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कहां से कहां पहुंच गए हो। बंदे का नीयत अच्छी थी इनकी, बहुत अच्छी थी, क्योंकि तभी पैसा दिया ना, नहीं तो उनका मकान गिरवी रख लेते या मकान ही खरीद लेते, कुछ और कर लेते। तो बिना उसको, बिना मतलब लालच के उसकी लड़की की शादी कर दी, पैसे दे दिए, और कुदरत ने, इनके पास पैसे नहीं थे, इनके लिए कमलजीत को भेज दिया, कमलजीत को भेज दिया, और कमलजीत ने अपने पास से पैसे दे के इनकी डील मच्योर करवा दी। और जब कमलजीत के पास पैसे नहीं थे तब इनके पास फिर पैसे आ गए। सिंपल स्टोरी का मतलब ये है, स्टोरी ये है कि आपके पास पैसा हो या ना हो,
जब कुदरत आपके साथ खड़ी हो जाती है तो आप डेफिनेटली बहुत चीज़ें मैनेज कर जाते हो। जब अच्छी चीज़ें आप करते हो तो कुदरत भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करती है, जरूर करती है। सो आपने इस स्टोरी से क्या सीखा कमेंट बॉक्स में बताना, और अच्छी लगे स्टोरी तो इसको वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, इसके ऊपर चर्चा करना। कोई कमेंट बॉक्स में अपनी दिल की बात कहना चाहो तो दिल की बात कह सकते हो, कोई नए टॉपिक और वीडियो चाहिए वो भी कह सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा सकते हो। डू गुड, हैव गुड, सो एज यू सो शैल यू रीप, मतलब जैसा आप बीजोगे वैसा ही आप काटोगे। इन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा बीज बीजा और इनको कुदरत ने अच्छी चीज दी। 2005 का 50 लाख रुपए का मतलब है आज का 5 करोड़ रुपए के हिसाब के बराबर चला जाएगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आएगा, जरूर पसंद आएगा, क्योंकि इसमें डेफिनेटली इच्छाई छुपी हुई है। तो इच्छाई को अपने मतलब ध्यान में रख के आपने भी कोई काम करने हैं जिंदगी में, इच्छाई करने से पीछे नहीं हटना। यदि आप इच्छाई करोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ उसके बदले में कुदरत जरूर देगी। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सीखते जाएं, पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। आपका दोस्त, आपका होस्ट राजवंत सिंह मोहाली। थैंक यू वेरी मच।